नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं आपके साथ रुचि श्रीवास्तव। आगरा में जीएसटी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 22 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। बता दें कि बड़े गुटखा कारोबारियों पर जीएसटी की ये बड़ी छापेमारी हुई है। खबरों की माने तो मुख्यालय के आदेश पर गोल्ड मोहर, राजश्री, विमल के ठिकानों पर छापेमारी जीएसटी की 22 टीमों ने की है। जेल में बंद पूर्व सांसद रिजवान जहीर के कब्जे वाली जमीन पर प्रशासन का बुलडोजर चल गया है। तुलसीपुर नगर से सटे गांव शीतलापुर में स्थित पूर्व सांसद के आवासीय परिसर और सामने की करीब 25 बीघा जमीन उनके कब्जे से खाली कराकर शिकायतकर्ता को दे दी गई है। प्रशासन और शासन द्वारा मेरी जमीन कब्जे से अवमुक्त कराई गई, जो 20 वर्षों से अनर्गल तरीके से एक ताकतवर इंसान ने, जिसे बाहुबली कहते हैं लोग, कब्जा कर रखा था। और आज हमें पूर्णतया शासन प्रशासन द्वारा तुलसीपुर एसडीएम, एसएचओ तुलसीपुर, सीओ साहब और जो भी प्रशासनिक अमला है उनके संरक्षण में पूरी तरह हमें कब्जा दिला दिया गया है। रिजवान जहीर के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई थी, उसमें 14(1) की कार्रवाई करते हुए इनके आवास को और इनकी लखनऊ स्थित जो संपत्ति थी वो कुर्क की गई थी। इसी दौरान ये शिकायत प्राप्त हुई थी कि इन्होंने महमूद की ज़मीन पर कब्जा कर रखा है, उसकी भी जाँच SDM साहब द्वारा की गई थी और आज उसको भी कब्जे से मुक्त करा कर उनको दी गई है। अब हम मेरे न्यायालय में अब्दुल महमूद खान जी ने एक मुकदमा दायर किया और उन्होंने ये मांग की कि उनकी दो ज़मीनें हैं 260 आराजी नंबर 260 जो कि 0.263 हेक्टेयर है, उस पर जो है रिजवान जहीर उनके परिवार का संपूर्ण कब्जा है, तथा आराजी नंबर 298 मिल जुमला में 1.767 हेक्टेयर ज़मीन पर उनका कब्जा है। उनकी शिकायत पर गंभीर रुख इख्तियार करते हुए जांच कराई गई। जांच कराने के बाद चीज़ें सही पाई गईं और सही पाए जाने के उपरांत उनको बेदखल किया गया और आज उस बेदखल की कार्रवाई में अभी वर्तमान समय में आराजी नंबर 260 का जो कि 0.263 हेक्टेयर ज़मीन है उसको जो है कब्जा मुक्त करा करके जिन्होंने शिकायत की थी अब अब्दुल महमूद खान जी को दे दी गई। पूर्व मुख्यमंत्री और गढ़वाल सांसद तिरंत सिंह रावत ने बीते दिन चमोली जिला मुख्यालय गोपेश्वर के सभागार में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक लेते हुए केंद्र और राज्य सरकार की संचालित सभी विकास कार्यों को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अधिकारियों को गांव-गांव जाकर योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करने की समीक्षा बैठक करने के भी निर्देश दिए गए हैं। देखिए क्या कारण है और किन कारणों से ये सब गड़बड़ियाँ यदि दिखती हैं और जो सामने आ रही हैं उस और ध्यान देंगे और नए संज्ञान में लाएं तो निश्चित ऐसी जो भी सड़कें होंगी या काम जो भी विभागों के हैं तो उन पे मैंने सीधे सीधे कहा कि इस पे जांच और करके और फिर उन पर कार्रवाइयाँ तत्काल करेंगे। एक और मैंने इशू किया कि जो BTC की मीटिंगें होती हैं ब्लॉकों की उनमें सभी अधिकारी जाएं और जो नहीं जाता है तो उसके खिलाफ एक्शन लेना और एक दिन का वेतन काटना, ये भी निश्चित, क्योंकि वो हमारी एक सरकारी ब्लॉक की वहाँ भी जवाबदेही होती है और वहीं से अधिकतर काम जनता के होते हैं, इसलिए अधिकारियों को वहाँ रहना। दूसरा, नोडल अधिकारी जो है वो नोडल अधिकारी प्रत्यक्ष जाकर के निरीक्षण करे कामों का। उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड सरेंडर व रिकवरी के डर से लोगों के जमा हुए राशन कार्डों को लेकर हरदोई में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया और उनके राशन कार्डों को दोबारा बहाल करने की मांग करते हुए दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इसके साथ ही जिला अध्यक्ष आशीष सिंह का कहना है कि गरीब परिवारों को तत्काल राशन कार्ड वितरित करते हुए सरकारी योजनाओं में लाभार्थी बनाया जाए, साथ ही राशन कार्डों का गलत सत्यापन करने वाले राशन कार्ड बनाने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई भी की जाए। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हम लोग निर्देश पर जिला और शहर कांग्रेस कमेटी के सारे कार्यकर्ता जो राशन कार्ड को लेकर जो
सरकार ने भ्रांतियां पैदा की उस पर कार्रवाई की मांग को लेकर कर रहे हैं। आप जान रहे हो खाद्य सुरक्षा कानून का उल्लंघन हुआ, सरकार ने फर्जी आदेश जारी किए और जो पात्र थे उनको अपात्रों की श्रेणी में जबरन डालकर उनके राशन कार्ड सरेंडर कराए गए। तो अब यह प्रश्न उठता है कि जो राशन कार्ड जारी करने वाली संस्थाएं हैं, अगर वो अपात्र थे जो जिन्होंने राशन कार्ड जारी किया, जिन जिम्मेदार लोगों में, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और सरकार अभी कह रही है कि नहीं, हमने आदेश नहीं दिया, तो उन लोगों के राशन कार्ड वापस किए जाएं और उनको पूरा राशन दिया जाए। इस प्रक्रिया के अंतर्गत राशन कार्ड जारी करने से लेकर अब तक जो भी शासकीय खर्च हुआ उसकी रिकवरी भी जिम्मेदार लोगों से की जाए, ना कि राशन कार्ड धारकों से की जाए। ऑपरेशन पाताल के तहत जिले की पुलिस ने 4 दिनों के भीतर ही तीसरी अवैध असलहा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। खटहन थाना के अशवगढ़ तिराहा पर निर्माणधीन कमरे में संचालित इस फैक्ट्री से 20 तमंचे, 3 देसी रिवॉल्वर के साथ ही बनाने में इस्तेमाल होने वाले उपकरण और अन्य सामान मिले हैं। मौके पर मौजूद 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। अपराधी घटनाओं में अवैध शस्त्रों का प्रयोग होता है, इसी को रोकने के लिए ऑपरेशन पाताल शासन के निर्देश पर चल रहा है। इसी क्रम में SSP जौनपुर महोदय द्वारा थाना खुटहन को, सर्विलांस टीम और स्वाट टीम को, तीनों को एक टास्क दिया गया, जिसके तहत आज थाना खुटहन क्षेत्र में सवई नाला के पास एक निर्माणाधीन मकान में यह अवैध शस्त्र फैक्ट्री बनाने का फैक्ट्री पकड़ा गया है, जिसमें से 4 बदमाश हैं जो कि काफ़ी साथी किस्म के हैं, थाना खुटहन और सरपथा के रहने वाले हैं। इनके पास से 20 अवैध तमंचे, 3 देसी रिवॉल्वर और उपकरण भारी मात्रा में बरामद हुए हैं। ये काफ़ी साथी किस्म के लोग हैं, इनके खिलाफ अन्य भी कार्रवाई की जा रही है। ये बहुत बड़ी रिकवरी है ऑपरेशन पताल के तहत। देखिए अभी विवेचना शुरू हुई है, कल ही ये पकड़ा गया है, अभी इनसे पूछताछ चल रही है। ये काफ़ी, चूँकि मैंने बताया कि निर्माणाधीन मकान था जिसमें फैक्ट्री चल रहा था, तो जो मकान जिसके मकान मालिक, उनसे भी पूछताछ चल रही है। हाल ही में हीमोडायलिसिस यूनिट का फीता काट कर कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक ने उद्घाटन किया है। साथ ही उन्होंने बताया कि 58,96,000 रुपए की लागत से यह यूनिट तैयार की गई है। बताया जा रहा है कि कन्नौज में करीब 50 से 60 लोग किडनी के बीमारी से ग्रसित है। अब उनको बाहर दूसरे शहरों में दौड़ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब उनके ही अपने शहर में हीमोडायलिसिस यूनिट शुरू हो चुकी है। देखो, निश्चित रूप से जिस प्रकार से यहाँ के ऊपर एक डायलिसिस यूनिट की आवश्यकता थी, और लगातार हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी डिमांड कर रहे थे, यहाँ की आम जनता की भी डिमांड थी, हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने इसके लिए प्रयास किया है। हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री भी लगातार नेतृत्व को अपनी बात रखी है। हम सब ने मिलकर और हमारी सरकार ने बहुत अच्छा ये कन्नौज में डायलिसिस यूनिट की जो प्रारंभ किया है, मैं उसके लिए अपने नेतृत्व को बधाई देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के पूज्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देना चाहता हूं कि इस यूनिट से यहां कन्नौज के तमाम सारे ऐसे लोग जो कि हम लोगों की जानकारी में ही थे और उनको डायलिसिस के लिए कहीं ना कहीं बाहर जाना पड़ता था, कानपुर जाना पड़ता था, लखनऊ जाना पड़ता था, उनकी ये समस्या अब समाप्त हुई है। कानपुर बर्रा थाना के बसंत पेट्रोल पंप पर दबंगों की दबंगई देखने को मिली है। गाड़ी हटाने और पेट्रोल पहले भरवाने से शुरू हुए विवाद के बाद ऑटो चालक ने अपने साथियों के साथ मिलकर पेट्रोल पंप कर्मियों और वहां खड़े अन्य वाहन के मालिकों के साथ अभद्रता और मारपीट की है। पूरी घटना पेट्रोल पंप के CCTV में कैद हो गई। तो वहीं इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ लिया है और अन्य लोगों को पकड़ने के लिए पुलिस CCTV का सहारा भी ले रही है। हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र में एक छात्रा के अपहरण का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक लक्सर थाना क्षेत्र की रहने वाली 22 साल की एक युवती रोजाना की तरह कॉलेज के लिए निकली थी, लेकिन जब देर शाम वह घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने उसे फोन किया, जहां उन्हें पता चला कि पीड़ित युवती का एक क्लिनिक में इलाज चल रहा है और छात्रा बेहोशी की हालत में है। आनंद फानंद में जब परिजन क्लिनिक पर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि 2 लोग छात्रा को कार से क्लिनिक में छोड़कर चले गए हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी है। तो ही पुलिस ने अपहरण के धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। श्री धीर सिंह निवासी नक्सरी थाने पर आए, उनके द्वारा बताया गया कि मेरी लड़की को कुछ लोगों द्वारा अपहरण कर मेरे लिए पदार्थ खिलाकर अपहरण किया है, जिस संबंध में थाने का अपराध संख्या 406/22
धारा 365 IBC पंजीकृत है। ललितपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश और ओले गिरने से जहां लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जानवरों को भी उमस भरी गर्मी से छुटकारा मिला है। आपको बता दें कि उमस भरी गर्मी से राहत मिलने के बाद लोगों के चेहरे खुश नजर आ रहे हैं। लखनऊ के मलियाबाद से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक दादा अपनी 9 साल की मासूम पोते को पैसों का लालच देकर अश्लील हरकतों को अंजाम देता था, जिसकी खबर मासूम ने जब अपने परिजनों को दी तो परिजन भी यह सुनकर दंग रह गए। वहीं पीड़ित के पिता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी दादा को गिरफ्तार कर लिया है। प्रयागराज बस स्टैंड के पीछे बाइक सवार 3 बदमाश माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से 28,000 लूट को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान पीड़ित के शोर मचाने पर पहुंचे मोहल्ले के लोगों की मदद से एक आरोपी को पकड़ लिया गया है, जबकि 2 अन्य आरोपी भागने में सफल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि प्रयागराज के मेजा थाना क्षेत्र के बनराम गांव में रहने वाले अरुणेश शुक्ला फाइनेंस कंपनी में कर्मचारी हैं। नकदी बैग में रखकर बाइक से रोडवेज की ओर जा रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें तमंचा दिखाकर उनसे लूटपाट करने का प्रयास भी किया। तो रेशमा बहन जी नाम है, तो उनके यहाँ से किस्त लेकर के जैसे उनके गली में निकले, उनके गली में क्या है, ये लोग पीछा करके, हम हेलमेट पहने थे, 3 लोग थे एक बाइक पे, उतरे और क्या है कि पटपट हमें मारना चालू कर दिया। हम हेलमेट पहने थे इसलिए हमने लगा नहीं, तो फिर उतर के गर्दन पे मारे, हम गिर गया, गाड़ी छोड़ दिया, मोबाइल हमारा जो था वो छोड़ दिया। हम क्या है बैग पे अपने ध्यान दिए थे, बैग पकड़ लिया हम कट से कि हमारा बैग न जाने पाए, पैसा था उसमें बैंक का। तो उसके बाद क्या है, ये लोग तुरंत क्या है कि एक लोग कट्टा सटा, तो कट्टा पे हमने मार दिया हाथ से, तो कट्टा गिर गया। तब पर भी इसमें से एक लोग ने क्या किया, बैग छोड़ दिया हमारा, बैग छोड़ करके भागने लगे। तो हम एक और उसके बाद एक लोग बाइक जो उधर थे वो बाइक लेकर के भागने लगे, उस वाली गली से भागने लगे। तो क्या है कि हम जनपद श्रावस्ती के कलेक्ट्रेट परिसर में डीएम नेहा प्रकाश ने चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा 108 नंबर की 3 नई एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। स्वास्थ्य और सेवाओं को बेहतर करने के लिए जनपद श्रावस्ती में ये योजना शुरू की गई है। इसके साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए कारगर कदम भी उठाए जा रहे हैं। खबर श्रावस्ती के मलहीपुर से है, जहां बैंक ऑफ बड़ौदा BC खाता संचालक ने कई दर्जनों खातों से कई लाख रुपए उड़ा लिए हैं। इसकी जानकारी खाता धारकों को उस वक्त लगी जब वह बैंकों से पैसे निकालने के लिए पहुंचे थे। बता दें कि खाता धारकों ने बैंक स्तर अधिकारियों से लेकर जिला स्तर अधिकारियों और जिला अधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखकर बैंक खाते से गायब हुए रुपए वापस दिलाकर आरोपी पर कठोर कार्रवाई की मांग की है। वहीं आपको ये भी बता दें कि आरोपी युवक लाखों रुपए लेकर फरार है। उसने दोनों खाते, एक खाते में 45,000 रुपया, एक खाते में 31,000 रुपया, दोनों खाते से निकाल करके सतीश कुमार शर्मा फरार हो चुका है। हमारे लड़की की शादी थी, शादी में 1 रुपया हमारे पास नहीं रह गया। उनको यहाँ बिस्सी दे देते हैं और मैनेजर साहब कहते हैं अभी मिल जाएगा, अभी मिल जाएगा। 1 महीने हो गया, कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। जिला अधिकारी महोदय के यहाँ दिया दरखास्त और उनके यहाँ पुलिस कप्तान साहब के, आज तक कोई मेरी सुनाई नहीं हुई। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।